बच्चों, हमारे शरीर को विटामिन की कितनी आवश्यकता होती है, विटामिन न होने से शरीर को किन-किन व्याधियों का सामना करना पड़ता है और इससे हमें क्या-क्या लाभ हैं, इस बारे में आज हमारे बीच में सर्वेश शुक्ला भैया जी आएंगे जो हमें विटामिनों से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सर्वेश शुक्ला जी से हम लोग इस बारे में जानकारी लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको विटामिन के बारे में बताएंगे। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी तत्व है। यह विभिन्न सब्जियों, फलों में बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, परंतु इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। इसकी कमी से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। उसी के लिए हमें विटामिन को लेना होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इतने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन तथा जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी और सी ये तो जल में विलेय है और बाकी सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो बच्चों, विटामिन ए से शुरू करते हैं। विटामिन ए की कमी से नजर कमजोर हो जाती है और रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए पाया किसमें जाता है, क्या आप हमें बता पाएंगे विटामिन ए किसमें पाया जाता है? अच्छा, हम आपको बताते हैं। विटामिन ए जो पीले फल होते हैं या नारंगी फल होते हैं, जैसे आम, पपीता, है ना, इस प्रकार के फलों में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से, जैसे मैंने आपको बताया, कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी नामक बीमारी होती है, रतौंधी। जिसमें नजर कमजोर हो जाती है। इसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी भी हरी सब्जियों में, अनाजों में, दूध में, इन सब में पाया जाता है। विटामिन बी एक समूह है जिसको बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें चार प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। इन चार प्रकार के विटामिनों को मिलकर ये समूह बनता है। अब जैसे हरी सब्जी है, ये देखिए, ये क्या है, इसको आप लोग देखे हैं, हाँ, क्या है ये? पालक, पालक है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जैसे ये क्या है, धनिया, धनिया है ना, इन सब में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और रुधिर कम बनता है। रुधिर मतलब खून। तो जब खून की कमी शरीर में होने लगती है तो, और पाचन शक्ति जब खराब होने लगती है हमारी, तो डॉक्टर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने के लिए सलाह करते हैं और वो हमें गोलियों के माध्यम से डॉक्टर देते हैं। पर अगर हम नियमित रूप से हरी सब्जियां, दूध, फल, अनाज आदि खाएं तो भी हमें प्राकृतिक रूप से विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं या फल हैं, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे ये देखिए, क्या है ये? नींबू। अरे वाह, नींबू। इसमें भी विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा ये क्या है? संतरा। संतरा। तो नींबू तो हम लोग थोड़ा सा कम उपयोग करते हैं, लेकिन संतरा तो हम लोग हमेशा खा सकते हैं। नींबू तो शरबत में और ऐसे सलाद में इस्तेमाल करते हैं। तो नींबू, संतरा, आंवला, आंवले में तो बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन पाया जाता है। और ये बताइए क्या है? हरी मिर्च। हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन इसको ज्यादा खाने से सी 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 भी होता है। जब ज्यादा जीभ में लग जाती है तो सी सी होने लगता है ना। विटामिन सी भी पाया जाता है और अगर ज्यादा खा लो तो जीभ में जलन भी होने लगती है। इसलिए इसको मम्मी लोग सब्जी में डाल देती हैं ताकि ये सब्जी में ही मिलके आराम से हमें विटामिन सी प्राप्त हो जाए। विटामिन सी के बाद विटामिन डी। विटामिन डी में क्या होता है, हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की बहुत आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर कमजोर होने लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके लिए
हमें सबसे ज्यादा धूप की रोशनी से ये प्राप्त होता है, इसीलिए डॉक्टर सब सुझाव देते हैं कि सुबह के समय हमें, सूर्योदय के समय हमें थोड़ा सा कपड़े उतार के धूप में रहना चाहिए ताकि हमें विटामिन डी की संपूर्ण मात्रा प्राप्त हो जाए। उसके अलावा अनाज, दूध, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों में भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन ई, विटामिन ई एक ऐसा पदार्थ है जिससे जननांगों में की सक्रियता में कमी आती है, अगर ये शरीर में कम रहे बांझपन हो जाता है, और अंग घात एक बीमारी होती है जिसमें कि शरीर का एक अंग काम करना बंद कर देता है, तो उसकी पूर्ति के लिए विटामिन ए, विटामिन ई लिया जाता है। और विटामिन ई की पूर्ति हरी सब्जियां जैसे ये सोया मेथी है, सोया मेथी की पूर्ति से, ये बंदा है, पत्ता गोभी जिसको हम लोग बोलते हैं, इन सब चीजों के, और ये मटर में भी पाया जाता है ना, तो इन्हीं सब चीजों की पूर्ति से हम अगर इसको खाएं तो हमें शक्ति प्रदान होती है। दूध में, मछली के तेल में और अंडे में भी ये पाया जाता है। इसके बाद आता है नंबर विटामिन के का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका कारण है कि ये रुधिर का थक्का जमने में मददगार होता है। अगर हमारे चोट लगे, जैसे आप लोग खेलते हैं, हाँ। कौन सा खेल खेलते हैं आप? छुपन छुपाई और पकड़म पकड़ाई। और तो जैसे आप पकड़म पकड़ाई मान लीजिए खेल रहे हैं, आप दौड़े और आप गिर पड़े तो आपके चोट लग जाती है, तो खून बहने लगता है, तो अगर विटामिन के की कमी है तो ये खून बहता ही चला जाएगा, पूरा खून आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे ही चोट लगती है आप देखते हैं कि रुधिर का थक्का जम जाता है, रुधिर बह नहीं पाता है, तो ये विटामिन के की वजह से होता है, जो कि रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके लिए टमाटर जैसे ये है, विटामिन के इसमें पाया जाता है। बथुआ है, ये देखिए, जैसे ये बथुआ है, ये बथुए में विटामिन के पाया जाता है। पालक में भी विटामिन के बहुत आयत मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। दूध में, तो इस प्रकार से दूध वगैरह, दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, ये देखिए है ना, पनीर में भी विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार ये हमने विटामिनों के बारे में जाना, लेकिन विटामिन हम सुरक्षित कैसे रखें? ये हरी सब्जियां हुई, फल हुए, अधिकतर हम लोग देखते हैं कि सेब काटते हैं, जैसे ये सेब है, ठीक है, अब सेब में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन मिलते हैं, लेकिन होता क्या है, सभी लोग इसको छिलका उतार देते हैं, छिलका छिलके के ठीक नीचे बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए हमें छिलको, इसको सेब को साफ करके खाना चाहिए, और छिलका ना उतारें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि छिलके के ठीक नीचे विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग हरी सब्जियां जब आती हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, तो इसको लोग छील देते हैं, उससे उसके सारे विटामिन, एक अच्छी मात्रा में विटामिन हम लोग नाली में फेंक देते हैं या कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं, जबकि हम खीरा ककड़ी अगर सही से धो लें तो हम उसको खाएं तो हमें काफ़ी मात्रा में विटामिन प्राप्त होगा, ठीक है। जब हम सब्जी बना रहे होते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि सब्जी काटने के पहले सही से धो ली जाए, क्योंकि जब हम काटने के बाद, जैसे ये पालक है, अब अगर हम इसको काटें तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे तो इसके जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब निकल जाते हैं और वो पानी में घुल के फिर नाली में चले जाते हैं, इसलिए हमें इसी को पहले से, इस समय सजा हुआ है तो इसी समय इसको सही से धो लेना चाहिए, और धोने के बाद फिर काट के उसके बाद नहीं धोना चाहिए, फिर सीधे पकाना चाहिए, और पकाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इसको ना पकाया जाए ताकि विटामिन इसके नष्ट ना होने पाए, बहुत ज़्यादा पकाने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि विटामिन नष्ट ना होने पाए। उसी प्रकार से जैसे अब ये हरी धनिया है, ये आपने अक्सर देखा होगा कि जब सब्जी बन जाती है उसके बाद डाला जाता है, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको पहले से डाल देंगे
तो इसके सारे विटामिन अग्नि और गर्म होके वाष्प की मात्रा वाष्प के माध्यम से निकल जाएंगे। इसलिए सब्जी बनने के बाद ही हम इसको काटते हैं और बनने के बाद ही डालते हैं, ताकि इसमें मौजूदा सारे विटामिन हमें शुद्ध रूप में मिल सके। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि जब हम इसको डालें तो काटने के पहले धो लें और तब डालें, ताकि उसके विटामिन नष्ट ना होने पाए। इसी प्रकार जैसे जब हम लोग बात कर रहे हैं विटामिनों की, तो विटामिन सी की कमी है, विटामिन सी की कमी से जो रोग क्षमता होती है हमारी उसमें कमी आ जाती है, सर्दी जुखाम ये सब होने लगता है। तो इसके लिए हमें नियमित रूप से क्या खाना चाहिए? विटामिन सी किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में पाया जाता है, और विटामिन सी हरी सब्जियों में तो बहुत ही कम, मतलब ना मात्र के बराबर पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है खट्टी चीजों में, जैसे नींबू, आंवला, संतरा। हाँ, आम आम में पाया जाता है, पर कच्चे आम में ज्यादा पाया जाता है। पके आम में विटामिन ए पाया जाता है। अच्छा, विटामिन ए किसमें किसमें पाया जाता है? पपीते में। हाँ, संतरे में। हाँ, आम आम में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और गाजर में, ये देखिए ये क्या है? गाजर। गाजर का हलवा कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया। तो ये विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। और इसको, लेकिन बस वही बात है कि जब भी हम इसको खाएं तो अच्छे से धोकर खाएं, ताकि इसके, क्योंकि ये जड़ से निकलता है, जमीन के नीचे से निकलता है, तो इसमें ये देखिए रेशे ऐसे होते हैं ना अंदर, तो इसमें विषाणु जीवाणु के रहने की गुंजाइश रहती है, जो हमें फिर बाद में बीमारी दे सकते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इसकी सही से सफाई करें और तब खाएं। ठीक है, ऐसे ही जब हम मूली खाते हैं, जो जमीन से निकलने वाले जितने भी नीचे से हैं, और मूली के जो हरे पत्ते होते हैं वो हम फेंक देते हैं, जबकि मूली के हरे पत्तों में भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। और लगभग जितनी भी हरी सब्जियां हैं उसमें तो विटामिन लगभग लगभग सभी में अच्छी मात्रा में मिलते हैं, विटामिन खनिज लवण, क्योंकि हमारे शरीर की बीमारियों को दूर भगाता है। लेकिन बच्चे हमने देखा है कि हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं। आपको अच्छी लगती है हरी सब्जी खाना? हाँ। कौन सी सब्जी अच्छी लगती है आपको? पालक। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप? मुझे बथुआ की। बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे हरी सब्जी खाते रहते हैं लगातार, उनको कभी भी कोई बीमारी होती नहीं है। बच्चों, आज हम लोगों को सर्वेश शुक्ला भैया ने विटामिन ए, बी, सी और के बारे में विस्तार से बताया है, और ये भी बताया कि इन विटामिनों के इस्तेमाल से कैसे शरीर में होने वाली व्याधियों से बचा जा सकता है। तो आप लोगों ने ये सब पूरा जाना, अब इसको आगे चल के अमल कीजिएगा। इसी उसके साथ हम लोग फिर किसी नए रोचक विषय पर मिलेंगे। नमस्कार।